के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, दुर्रतुन नासिहीन में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम से फरमाया कि मैंने उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दो नूर अता किए हैं ताकि वो दो अंधेरों के ज़रर यानी कि नुकसान से महफूज रहे। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा व जल, वो दो नूर कौन से हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, एक नूर रमज़ान है और दूसरा नूर कुरान है। तो हज़रत सैयदना मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अर्ज की, या अल्लाह अज़्ज़ा व जल, वो दो अंधेरे कौन से हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, एक कब्र का अंधेरा और दूसरा क़यामत का अंधेरा। नाज़रीन मोहतरम, अतरगीब व तरईब में है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रहमत आलम हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान शरीफ की पहली रात आती है तो अरशे अजीम के नीचे से मैसरा नामी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्त के पत्तों को हिलाती है, और इस हवा के चलने से ऐसी दिलकश आवाज़ बुलंद होती है कि इससे बेहतर आवाज़ आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी। इस आवाज़ को सुनकर बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जाहिर होती हैं, यहाँ तक कि जन्नत के बुलंद महल्लात पर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, है कोई जो हमको अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मांग ले कि हमारे निकाह उससे हो। फिर वो हूरें दरोगा जन्नत हज़रत रिजवान अलैहि सलाम से पूछती हैं कि आज ये कैसी रात है? तो हज़रत रिजवान अलैहि सलाम जवाबन तलबिया यानी लब्बैक कहते हुए कहते हैं कि ये माह रमज़ान की पहली रात है। जन्नत के दरवाजे उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ेदारों के लिए खोल दिए गए हैं, और जमउल जमामे में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी मखलूक की तरफ नज़र फरमाता है, और जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी बंदे की तरफ नज़र फरमाए तो उसे कभी भी अजाब न देगा, और हर रोज़ 10 लाख को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, और जब 29वीं की रात होती है तो महीने भर में जितने आज़ाद किए थे उनके मजमू के बराबर उस एक रात में लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। फिर जब ईद उल फितर की रात आती है तो मलाइका खुशी करते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने नूर की खास तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों से फरमाता है, ऐ गुरोहे मलाइका, उस मजदूर का क्या बदला है कि जिसने अपने काम को पूरा कर लिया है? फरिश्ते अर्ज करते हैं कि उसको पूरा पूरा अजर अता किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं तुम्हें गवाह करता हूँ, मैंने उन सब बंदों को बख्श दिया है जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के अंदर मेरी इबादत की और रोज़े रखे। और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से निसाई शरीफ के अंदर मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान आ गया, बरकत वाला महीना है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज किए हैं, इसमें आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं, और इसमें मरदूद शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इसमें एक रात है कि हज़ार महीनों से बेहतर है, जो इसकी भलाई से महरूम रहा तो वो बिल्कुल ही महरूम रहा। और बुखारी शरीफ में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान शरीफ आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोजख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। और हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से शुआबुल ईमान में मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके हर सजदे के इवज़ में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुरख याकूत का घर बनाता है। बस जो कोई माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो उसके साबका गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब कभी भी वो सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि उसके साए में घोड़सवार 500 बरस तक चलता रहे। और हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गईं जो मुझसे पहले किसी नबी को न मिली। नंबर 1, जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है
तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल नजर रहमत फरमाए उसे कभी भी अजाब ना देगा। नंबर दो, शाम के वक्त उनके मुंह की बू जो भूख की वजह से होती है अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक मुशक की खुशबू से भी बेहतर है। और नंबर तीन, फरिश्ते हर रात और दिन उनके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। और नंबर चार, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए मुजयन यानी कि आरास्ता हो जा, अन करीब व दुनिया की मुशक्कत से मेरे घर और कर्म में राहत पाएंगे। और नंबर पाँच, जब माह रमज़ान की आखिरी रात होती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल सब की मगफिरत फरमा देता है। कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल कदर है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाता है तो उसे उजरत अता कर दी जाती है। प्यार दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया कि अगर बंदों को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल ही रमज़ान रहता। और हजरत सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते हैं कि महबूब खुदा हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माह शबान के आखिरी दिन बयान फरमाया कि ऐ लोगो, तुम्हारे पास अजमत वाला और बरकत वाला महीना आया, वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है जो हजार महीनों से बेहतर है। इस माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर फ़र्ज किए हैं, और इसकी रात में क़याम तत्वो यानी कि सुन्नत है। जो इसमें नेकी के काम करे तो ऐसा है जैसे किसी और महीने में फ़र्ज अदा किया हो, और इसमें जिसने फ़र्ज अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में 70 फ़र्ज अदा किए हो। ये महीना सबर का है, और सबर का सवाब जन्नत है। और ये महीना मुआसात यानी गमखारी और भलाई का है, और इस महीने में मोमिन का रिजक बढ़ा दिया जाता है। जो इसमें रोज़ादार को इफ्तार कराए तो उसके गुनाहों के लिए मगफिरत है, और उसकी गर्दन आग से आज़ाद कर दी जाएगी, और इस इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि उसके अजर में कुछ कमी हो। हमने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स वो चीज़ नहीं पाता जिससे वो रोज़ा इफ्तार करवाए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो एक घूंट दूध या एक खजूर या एक घूंट पानी से किसी को रोज़ा इफ्तार करवाए। और जिसने रोज़ेदार को पेट भर कर खाना खिलाया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे हौज से उसको पानी पिलाएगा कि फिर वो कभी भी प्यासा ना होगा, यहाँ तक कि जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। ये है वो महीना कि इसका अव्वल यानी इब्तदाई 10 दिन रहमत के हैं, और इसका औस यानी दरमियानी 10 दिन मगफिरत है, और आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के हैं। जो अपने ग़ुलाम पर इस महीने में तख़फीफ़ करे यानी काम लेने में कमी कर दे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे बख्श देगा और जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। इस महीने में चार बातों की कसरत करो, उनमें दो ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए से तुम अपने रब को राज़ी करोगे, और बकिया दो से तुम्हें बेनियाजी नहीं हो सकती। बस वो दो बातें जिनके ज़रिए से तुम अपने रब को राज़ी करोगे वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, और नंबर दो, कसरत से इस्तिगफार करना। जबकि वो दो बातें जिनसे तुम्हें गिना यानी बेनियाजी नहीं वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत तलब करते रहो, और जहन्नम से अल्लाह तबारक व तआला की हमेशा पनाह मांगते रहो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माह रमज़ानुल मुबारक की कदर करने और इसमें खूब नेकियां करने और अल्लाह तबारक व तआला की रिजा और जन्नत का मुस्तहिक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।